यह आज हम आपको हाथी के बारे में बताएंगे। जो हाथी आप देख रहे हो उस हाथी के बारे में आज को हम आपको जानकारी पूरा देंगे इस वीडियो में। जैसे आपकी मशीन चलते चलते हाथी क्या तो ख़राब हो जाती है, गाड़ी है गियर कट जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी आज जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। जैसे आप देख रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी एक जो है ना गाड़ी हाथी स्लिप मार रही है, चलते चलते स्लिप हो जा रही है, तो इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे और सही करके दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे से ख़राब हो जा रहा है। आप इस वीडियो में देखोगे तो आपको गाड़ी और गियर इसमें इसका हाथी में सही करना आपको आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ये हमारे हाथी यहाँ बीच में रुक रुक के चल रही है, स्लिप करके चलती है, जब जोर लेता है तो स्लिप कर जाती है, तो खटर खटर की आवाज़ करती है, तो इसके बारे में हम आपको आज दिखाएंगे इस वीडियो में। तो हम पहले क्या करेंगे, इस हाथी का क्या नाम है खोलेंगे दो स्क्रू, उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे गाड़ी कहाँ से कटी है, कैसे कटी है, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको हाथी रिपेयर करना ज़रूर आ जाएगा, हाथी में आप सही करना पूरी तरह से सीख जाओगे। जैसे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में हम इसको खोल रहे हैं, इसमें दो स्क्रू पहले लगे छोटे, पहले बाहर इसको खोल लेंगे इसका ढक्कन, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें कैसे से आपको सही करना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको हम खोल लिए हैं, जैसे आप देख रहे हो दो स्क्रू इसमें लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखो। अब ये पत्ती है, इसको रखते हैं साइड। अब इसको हम खोलते हैं क्या नाम हत्थी का ये जो है, इसको निकालते हैं बाहर हैंडल को। अगर ये टाइट ज़्यादा है तो हल्का सा प्लास से पकड़ के इसको क्या नाम निकालोगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो इसको हम निकाल लिए, अब ये हमारा टाइट था थोड़ा सा, प्लास से पुरानी थी इसलिए टाइट था, निकल गया और हमारी ये हत्थी निकल गई बाहर हैंडल। ये देखो जैसे हैंडल ये हमारा टाइट भी है थोड़ा सा। तो हमें करना क्या है आपको बताते हैं इसमें, इसको हम छेनी से और उससे खोल लेंगे थोड़ा सा, मतलब ये देखो हमारे पास छेनी है, इसको हम खोल लेंगे। जैसे हमारा ये पेच अब खुल गया है तो पेचकस से इसको पूरा गियर को बाहर निकालेंगे। ये बड़ा गियर देखते हैं, बड़ा गियर ख़राब है, छोटा गियर ख़राब है, इसमें आपको हम बता देंगे। इसमें एक गराड़ी भी बोलते हैं इसे, जैसे गराड़ी देख रहे हो इसका, ये बड़ा गियर है इसमें देख रहे हैं हम, तो क्या नाम है इसमें सही दिख रहा है, ये ख़राब नहीं हुआ, इसके दांते पूरा सही है, इसकी दांते पूरी तरह से सही दिख रही हैं, इसमें ख़राबी नहीं है। अब दूसरे वाले में देखते हैं इस साइड पे, ये छोटे वाले गियर में प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर छोटे वाले में प्रॉब्लम है तो इसको भी हम आपको दिखाएंगे और इसमें पूरी तरह से सही करके भी आपको दिखाएंगे। इसको भी सेम वैसे ही खोलना है, छेनी से हल्का सा चोट मारेंगे खुल जाएगा, और फिर कसना भी है तो ऐसे ही कसना है, छेनी से हल्का सा चोट मारेंगे पूरी तरह से कस भी हो जाएगा। तो अब इसको पेचकस से पहले कसेंगे फिर छेनी मार टाइट करेंगे, और इसको पेचकस पहले छेनी से कसे हैं खोले हैं फिर पेचकस से खोल लेते हैं बाहर। अब इसमें देखते हैं हमारा ये वाला गियर तो छोटा वाला गियर तो नहीं ख़राब हुआ है, जिसमें लगी है छोटी वाली गरारी ये गियर, इसमें देखो ये हमारा ये ख़राब हुआ है पर दांत, ये देखो आपको दांतें दिखा रहा हूँ, इधर के दांतें हमारे ये इधर के दांतें सही है, इधर के दांतें हमारी ख़राब हैं, तीन चार दांतें ख़राब हैं, ये देखो जैसे आप देख पा रहे हो तीन चार दांतें इसमें ख़राब हैं। तो इसको आपको कैसे निकालना है, दूसरा कैसे डालना होगा आपको बताएंगे। देखो पिन लगी हुई है, इस पिन को सबसे पहले हम निकाल लेंगे बाहर। इस पिन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें हम बांक में इसे कस लेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो वैसे आप भी कस लेना, और इस पर हम पहले रेती मार देंगे क्योंकि मोटा साइड से ये इसमें पिन फंसाया गया है, इस करके इस पिन को हमें निकालने के लिए थोड़ा सा रेती से हमें मारना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो इसको हम बराबर कर देंगे जना हमारी पिन आसानी से अंदर के पास से चली जाए, तो इसमें हम सेंटर पंच से मार के अब इसको अंदर की तरफ करेंगे कि जाना ये हमारे अंदर की तरफ से निकल जाए। इसको ज़्यादा तेज हम बांध भी नहीं सकते हैं, इसको और पहले निकाल लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहो और देखो, अब आपको पूरी आ जाएगा इसमें सही करना। तो इसमें हम हल्का सा इस साइड आ रहा है हमारा, एक पतला सा पेचकस लेंगे जिसे गोल हम करके रखे हुए हैं पेचकस को, इसमें एक पेचकस फंसा दे रहे हैं, बार बार नीचे की तरफ भाग रहा है। अब इससे हम मारते हैं, देखें अब देखते हैं अब हमारा ये पिन निकल जाएगा। अब इससे हम चोट मार रहे हैं तो हमारा ये अब देखो पिन अंदर की तरफ चला गया है। अब इसको आराम से हम निकाल लेंगे, सुम्भा कोई पतला सा लेना बना के, जैसे हमारा देख रहे हो अब हमारे निकल गया है। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, अब इस पे हमें हल्का सा इस साइड पे इसको हम बाग में बांध लेंगे और थोड़ी चोट मारेंगे तो हमारी क्या है गियर जो छोटा गियर है हमारा गियर बाहर आ जाएगा।
एक तकला लेंगे, हल्का ठोक देंगे तो हमारा गियर क्या है बाहर की साइड निकल जाएगा। ये देखो, इसे हम तकला लेके ठोक दिए ऊपर से थोड़ी थोड़ी मार के, तो हमारा ये गियर बाहर की साइड ही निकल गया, जैसे आप देख रहे हो निकल गया है। तो आपको करना क्या है, ये वाला गियर आपको बदल लेना है, दूसरा ले आना है मार्केट से जाके। आप इसको ले जाके दिखा के भी ले सकते हो, जो कि हमारा जो जहाँ हमारा ख़राब हुआ था, जो दांते हमारे दांते देखो इसमें सेट आ रहे हैं, जहाँ हमारे दांते ख़राब हुई, हमारे दांते देखो यहाँ ख़राब हुई है, तो यहाँ हमारी ये फंस रही थी। ये देखो यहाँ हमारी दांती कट गई है, जैसे आप देख रहे हो इधर सही है और इस साइड में कटी हुई है हमारी दांती। तो हमें इसको दूसरा लगाना पड़ेगा, छोटा गियर हमें बदलना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है इसमें, हम ये क्या नाम हत्थी को अब जैसे से निकाले हैं वैसे से लगा लेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में। तो हम पहले बड़ा गियर ही कस लेते हैं, बड़ा गियर पहले ही खोले थे इस करके बड़ा गियर पहले कस लेंगे। इसमें कसने के बाद आपको ऐसे करके फंसा देना है, हमारा ये फंस गया देखो जैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद हमारी ये पत्ती है जो, इस पत्ती को हम पहले इसमें लगा देंगे अब जैसे आप देख पा रहे हो उसमें। अब हमें कमेंट करके बताना कि आप अपनी सिलाई मशीन की हत्थी सही कर पाए या नहीं कर पाए, हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके बताना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पे हमें लिख के भेजें, उस पर हम देख लेंगे। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या नाम है अपनी सिलाई मशीन की वीडियोस बनाकर दिखा डाल सकते हैं, हम आपको तरीकाएं उसकी उस तरह की तरीकाएँ हम आपको बताएंगे। जैसे हम इस स्क्रू को कस लेंगे इसमें, ये हमारा स्क्रू एक कसा गया तो दूसरा स्क्रू भी हम कस लेंगे, क्योंकि ये पुरानी हत्थी हो गई ना, बहुत बार स्क्रू लगता भी नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर से इसमें तेल वेल दे पाओगे अगर ढक्कन नहीं लग रही तब भी, तो हमारा स्क्रू ये पुरानी मशीन है, स्क्रू उतना ज़्यादा ठीक से लग नहीं रहा है, फिर भी चलो लग गया जैसे आप देख पा रहे हो। आप ऐसे अपना सिलाई मशीन में लगा सकते हो। उसके बाद क्या है, आपको क्या नाम है इसमें छोटी वाली जो गराड़ी हम खोले थे उस वाले गराड़ी को उसमें उस वाले को फिट करके लगा देना है, जैसे देख रहे हो। हम इसे इसमें क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठोक देंगे जैसे आप देख पा रहे हो, उसको थोड़ी मार के थोड़ा सा चोट मार के इसको अंदर कर देंगे जैसे आप दिखा रहा हूँ। ये देखो जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा अंदर ही चला गया हमारा, अभी हमारा बराबर हो गया। अब हम इसको इसमें लगा देना है, अगर आपका टाइट थोड़ा बहुत हो गया तो इसमें हल्का सा रीमर आता है, रीमर थोड़ा सा मार देंगे तो हमारा ये क्या नाम है फ्री हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो। ये देखो अभी भी थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा ठोक के देखते हैं पहले हमारा, ये हमारा सही हो गया है, इसमें अब फ्री है। देखो जो पेचकस से भी घूम रहा है, तो इसको हम अच्छी तरह से कस लेंगे। आप भी इसे अपनी मशीन सही कर सिलाई मशीन की हत्थी अपनी ऐसे सही कर पाओगे जिस प्रकार हम अपनी इसमें बताए हैं इस वीडियो में। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे, छेनी मार के सही टाइट कर लेंगे, हमारा ये टाइट हो गया। अब हमारी यह गरारी खुलेगी नहीं, हमारी ये मशीन हत्थी जल्द बन के तैयार है, रेडी है, अब इससे हम सिलाई कर सकते हैं।